राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वागत करता है। दशकों तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह विधि सम्मत अंतिम निर्णय हुआ है। इस लंबी प्रक्रिया में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित सभी पहलुओं का बारीकी से विचार हुआ है। सभी पक्षों के द्वारा अपने अपने दृष्टिकोण से रखे हुए तर्कों का मूल्यांकन हुआ। धैर्यपूर्वक इस दीर्घ मंथन को चलाकर सत्य व न्याय को उजागर करने वाले सभी न्यायमूर्ति तथा सभी पक्षों के अधिवक्ताओं का हम शतशः धन्यवाद तथा अभिनंदन करते हैं। इस लंबे प्रयास में अनेक प्रकार से योगदान करने वाले सभी सहयोगियों व बलिदानियों का हम कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं। निर्णय स्वीकार करने की मनस्थिति भाईचारा बनाए रखते हुए पूर्ण सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारी स्तर पर व समाज के स्तर पर भी हुए सभी लोगों के प्रयास का भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अत्यंत संयमपूर्वक न्याय की प्रतीक्षा करने वाली भारतीय जनता भी अभिनंदन की प्राप्त है, पात्र है। इस निर्णय को जय पराजय की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। सत्य व न्याय के मंथन से प्राप्त निष्कर्ष को भारतवर्ष के संपूर्ण समाज की एकात्मता व बंधुता के परिपोषण करने वाले निर्णय के रूप में देखना व उपयोग में लाना चाहिए। संपूर्ण देशवासियों से अनुरोध है कि विधि और संविधान की मर्यादा में रहकर संयमित और सात्विक रीति से अपने आनंद को व्यक्त करें। इस विवाद के समापन की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप परस्पर विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की ओर से शीघ्रतापूर्वक होगी, ऐसा हमें विश्वास है। अतीत की सभी बातों को भुलाकर हम सभी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण में साथ मिलजुल कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। कुछ है पूछना तो जिसके हाथ में माइक उसका प्रश्न। मोहन जी, मेरा नाम रवि त्रिपाठी है, मैं जी न्यूज से हूं। मेरा सवाल यह है कि अब जब फैसला आ गया है तो राम जन्मभूमि जो न्यास था, जो काम कर रहा था, उसका क्या होगा? जो पत्थर वहां तराशने का काम चल रहा था, क्या आप लोग सरकार द्वारा जो ट्रस्ट बनाया जाएगा उसको ये सौंपा जाएगा? क्या होगा आगे की गतिविधि क्या होगी? अब वो आगे की गतिविधि जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे उसके रास्ते निकलते जाएंगे। उसमें कोई यही होना चाहिए वही होना चाहिए ऐसा आग्रह हमने नहीं किया है। स्थान दिया है राम जन्मभूमि न्यास को, सरकार को न्यास बनाने के लिए कहा है, तो सभी को मिलजुल कर मंदिर बनाना है तो निकलेंगे रास्ते। माननीय, मेरा सवाल है कि जो कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो विवादित बस के बारे में जितनी जिसे चर्चा हो रही थी उसको मान लिया गया कि ये राम मंदिर का है और राम आस्था जो है उसके साथ साथ उसके प्वाइंट भी है। अब जो मुस्लिम ट्रस्ट के जो भी हैं उनको जो ये दिया गया है 5 एकड़ की जमीन, जो इस सारे विवादित भूमि और जो चर्चा के विषय की जो भूमि थी उससे अलग किया गया है, क्या संघ की भूमिका इसमें होगी कि जो बात आपने पहले भी कही है कि सारे लोगों को एक साथ मिलकर इस सारी चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें क्या आपकी भूमिका होगी? तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना, उसको तो हम स्वीकार कर रहे हैं। मैंने विजयदशमी के भाषण में भी किया था कि ऐसे मामलों में जो कोर्ट का निर्णय होता है मान्य करना चाहिए, हम मान्य कर रहे हैं। आगे उसकी प्रोसेस चलेगी तब ये सारे प्रश्न आएंगे। जो भी है अंतिम इस स्टेटमेंट में जो हमने कहा है, ये हमको झगड़ा विवाद अब समाप्त करना है। सर संचालक जी, मेरा सवाल ये है कि जो अब विश्व हिंदू परिषद की भूमिका क्या रहेगी और जब सरकार अपने आपको उन्होंने 2:30 बजे बुलाया है, संघ के उसमें संघ की क्या स्थिति रहेगी? विश्व हिंदू परिषद की भूमिका विश्व हिंदू परिषद तय करेगी। मोहन जी, मेरा नाम हिमांशु है, मैं आज तक से हूं। मेरा सवाल यह है, इतने साल लग गए इस प्रक्रिया को करने में, कुछ दिन से संघ और मुस्लिम संगठनों की तरफ से जो है वो कोशिश हो रही थी कि फैसले का स्वागत होना चाहिए, जो भी आए उसको मानना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता कि ये आपसी सहमति से भी बन सकता था अगर इस तरीके की कोशिश पहले दोनों तरफ से की जाती, दोनों पक्षों की तरफ से? मुझे लगता है वो पहले हुई थी, किसी कारण नहीं सफल हो सकी, इसलिए यहां से बातें चली। नहीं तो अपनी सुख की जीविका कौन दुख में डालना चाहता है झगड़ों में, तो पहले प्रयास हुए ही होंगे। तब तो मैं संघ का अखिल भारतीय अधिकारी भी नहीं था,
इसलिए मुझे उसका डिटेल वगैरह पता नहीं, लेकिन ऐसे प्रयास हुए थे वो नहीं चले, इसलिए मामले तो यहां तक आए। लेकिन ठीक है, देर आए अब दुरुस्त आए। भागवत जी इस तरफ, मैं विकास भदौरिया हूं एबीपी न्यूज से, आपकी दाहिने तरफ। हाँ, जब ये मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा था उस दौरान जब भी मध्यस्थता की बात होती थी तो ये कहा जाता था कि अयोध्या में ही किसी जगह पर मस्जिद भी बना दी जाए। तब अक्सर हिंदू संगठन इस बात की मांग करते थे कि जो अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा है उससे बाहर मस्जिद बने, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद अयोध्या की सीमा के भीतर ही बनाई जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? अब कोर्ट ने जो बताया है उसका अध्ययन करेंगे, अर्थ वगैरह लगाएंगे, और वो तो हमको नहीं देनी है, सरकार उसकी जमीन वगैरह तय करेगी। तो हमने कहा है कि विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की ओर से हो। एक जगह पूजा भी चल रही है, दूसरा भी हो रहा है, इसको लेके हम लोग तो ठीक है, हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है, समाज जलता है एक दूसरे पर, ये बात समाप्त होनी चाहिए। ये हमारी इच्छा थी, वो पूर्ण हो गई, अब आगे की बात वो प्रक्रिया देखेगी। सर, मैं संजय शर्मा हूं इंडिया न्यूज चैनल से। मोहनजी, मेरा सवाल है, क्या 5 एकड़ जमीन जो मुस्लिम पक्ष को दी जा रही है वो आप चाहते हैं कि अयोध्या के भीतर ही हो या अयोध्या के बाहर हो? कहां आप लोग, कहां चाहते हैं आप लोग? क्या हम कुछ नहीं चाहते, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है ना, अब उसका विधिवत पालन करेंगे करने वाले। हम तो मंदिर बनाएंगे मोहन जी, हमको कहीं से जमीन लाकर देनी नहीं, कोर्ट ने कहा है सरकार को, सरकार सोचेगी उसके। मोहन जी उनको पूछिए। मोहन जी, उदय सिंह राणा सीएनएन न्यूज 18 से। हाँ जी। जो काशी और मथुरा का जो विवाद है उस पर आप संघ का क्या मत है, और दूसरा, आज भारतवर्ष में जितने भी मुस्लिम नागरिक है उनके लिए आपका क्या संदेश है? मुस्लिम नागरिकों के लिए क्या संदेश है आपका, और काशी मथुरा पे आपका अब क्या मत रहेगा? अभी नागरिक हिंदू मुस्लिम, भारत के नागरिक है, तो अलग संदेश नहीं होते सबके लिए। हम सबको मिलकर रहना है, देश को बड़ा बनाना है, ये सदा सर्वदा के लिए हमारा संदेश है। और संघ किसी आंदोलन को नहीं करता, संघ मनुष्य निर्माण का काम करता है। कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, जैसा मैंने कहा कि मेरे अखिल भारतीय अधिकारी बनने के पहले, उसके कारण इस आंदोलन में एक संगठन के नाते संघ जुड़ गया, वो एक अपवाद है। अब आगे हम अपने मनुष्य निर्माण के काम में लग जाएंगे तो ये आंदोलन के विषय हमारे विषय नहीं रहते, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मौजी, मैं अमित हूँ न्यूज 24 से। बस आखिरी। अमित हूँ न्यूज 24 से, एक सवाल है कि हाँ जी। एक तो जफराब जिलानी ने कहा है कि वो रिव्यू पिटीशन डालेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दूसरी बात की जो बात अभी पूछी गई थी कि अयोध्या के बाद क्या काशी और मथुरा वो आपके एजेंडे में है, उसको आप आगे बढ़ाएं? पहले का उत्तर मैंने दे दिया है, संघ आंदोलन करने वाला संगठन नहीं है, मनुष्य निर्माण करेगा। और दूसरी बात है कि उन्होंने जो किया है उसके बारे में उनके पीछे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत जगह जाना पड़ेगा आज, और ये साफ है बिल्कुल, जैसा वो निर्णय साफ है वैसे स्टेटमेंट भी साफ है। धन्यवाद सबका।